अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली के खाने। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ टमाटर की चटनी, जो बहुत ही खट्टी और मज़ेदार लगती है। गर्मी आ रही है तो क्यों ना हम इंजॉय करें खाने के साथ इसको। तो आइए देखिए इसे मैंने कैसे बनाया है। यहाँ मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े खाने के चम्मच घी का। घी गर्म हो चुका है तो इसमें डाल दूँगी मैं लहसुन के मैंने 4 तवे लिए थे, उसको मैंने चॉप किया हुआ। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे हम। बहुत मज़े की बनती है ये टमाटर की चटनी। गर्मी आ रही है तो चपाती के साथ, चावलों के साथ, सालन के साथ लगाएं तो बहुत मज़ेदार लगता है हमें ना खाना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कलवंजी, सौंफ, मेथी दाना और राई, ये आधा चाय के चम्मच है तमाम चीज़ें। अब शामिल कर दूँगी इसमें प्याज, ये मैंने लिया था एक बड़े साइज़ का, इसको चॉप किया होगा, ये शामिल कर दें। हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे प्याज का। अब इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च, ये मैंने ली थी 2 अदद, ये हमने चॉप की हुई है। हल्का सा फ्राई करेंगे मिर्च को, जो इसकी खुशबू है वो घी में आ जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च का पाउडर और कुटी हुई सुरख मिर्च दोनों हैं, हाफ चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच। अब इसको फ्राई करेंगे। टमाटर मैंने लिए थे 6 थे तो उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। मैं इसमें कटिंग करके नहीं डाल रही टमाटर की, जो छिलके होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, और मोटा मोटा टमाटर आपकी मर्जी है आप। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। जो पानी है टमाटर का जो पेस्ट के अंदर वो खुश्क हो जाए। अब इसको पकाते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। टमाटर का जो पेस्ट बनाया था उसे मैंने बिल्कुल मलाई नहीं किया था, थोड़े देखे टमाटर खड़े खड़े हैं, इसमें पानी खुश्क हो चुके हैं। चटनी हमारी तैयार है जिसको मैं निकाल लेती हूँ छोटे से बाउल में। मज़ेदार टमाटर की चटनी तैयार है, इसे आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल डेली खाने को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।